गीत बनघट पे किस दिन गा की रानी कब आएगी तू रानी कब आएगी तू। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की जो जिम रील्स है उसको एडिट करके बताएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि हम ऐसी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दिस रील आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है BN। आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। देन इसके बाद आपको सिंपली प्लस का आइकन पर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक वीडियो क्लिप का लिंक मिलेगा, आपको वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है एंड देन यहां पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लास्ट में आकर एक 3 सेकंड के ब्लैक लेयर्स पर टैप करके इसको डिलीट कर लेना है, क्योंकि यहां पर एक वाटर मार्क होता है तो इसको सिंपली डिलीट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो का जो साउंड है उसको एक्सट्रैक्ट करना है इस वीडियो से, मतलब अलग करना है। इसके लिए आपको सिंपली वीडियो पर टैप करके यहाँ पर राइट स्वाइप करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर टैप कर लेना है तो आपको साउंड है जो अलग हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो क्लिप पर आना है 4.15 सेकंड पर। परफेक्ट। अब यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, सिंपली अपने वीडियो क्लिप पर टैप करके इसको स्प्लिट कर लेना है 2 पार्ट्स में। देन यहाँ पर से जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें आकर आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर लेना है अपनी वीडियो क्लिप से। इसके लिए आपको सिंपली वीडियो पर टैप कर लेना है एंड रिप्लेस आइकन पर टैप करके अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए एक वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इन दोनों क्लिप्स के बीच एक प्लस का आइकन है, इस पर टैप कर लेंगे। देन यहाँ पर से जूम मोड वाला एनिमेशन ऐड कर लेंगे एंड ओके कर लेंगे। सो अब जब भी हमारी वीडियो यहाँ पर से प्ले होगी तो कुछ यहाँ पर से ऐसे एक एनिमेशन आएगा, ठीक है। आपने प्रीव्यू में देखा, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट आइकन पर टैप कर लेना है। देन टॉप के ऑप्शन में से किसी भी एक साइज को चूज कर लेना है। मैं मिडिल वाला चूज कर लेता हूँ एंड अपने टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। अब जैसे मैंने अपने टेक्स्ट को ऐड कर लिया है, इसके बाद हम सिंपली इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर से किसी और फॉन्ट में भी इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉन्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर डबल ए वाला आइकन पर टैप करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अराउंड 22 एंड देन यहाँ पर से कलर वाले सर्कल पर टैप कर लेंगे एंड इसका एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। आपने जो प्रीव्यू में देखा वो वाइट कलर का एक बैकग्राउंड है, सो मैं इसको वाइट कलर कर लेता हूँ, या फिर मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ बट वाइट थोड़ा अच्छा लगता है। एंड जो टेक्स्ट कलर है मैं उसको ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। देन जो ये बैकग्राउंड हमने वाइट ऐड किया है, इसके रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। रेडियस मीन्स जो इसके आइजेस हैं वो राउंड शेप में होंगे, तो इसको मैं कर लेता हूँ अराउंड 20 एंड जो इसकी पैडिंग है मीन्स जो इसका साइज है उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ अराउंड 5। आप चाहें तो आप यहाँ पर से कुछ और एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। एंड तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ओके कर लेना है। देन यहाँ पर से आपको जहाँ पर भी इसको प्लेस करना है आप कर सकते हैं। मैं अगर इसको यहीं पर ऐड कर लूँ, और एंड इसकी जो लेंथ है आपको इसको फर्स्ट क्लिप तक ही रखना है, आप उसको सेकेंड क्लिप में नहीं ऐड करना है, ठीक है। देन जैसे यहाँ पर से हमारी जो क्लिप एंड होगी तो ये यहाँ पर से क्लिप हो जाएगा, ठीक है। अब आपने प्रीव्यू में देखा था कि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर मल्टी कलर में अवेलेबल है, ठीक है। सो इसमें हम अलग कलर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट पर टैप कर लेंगे। देन यहाँ पर से इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे एंड जो ये नीचे वाला टेक्स्ट है इस पर टैप करके इसको एडिट कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना है, मतलब जो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड किया था इसको हटा देना है बिल्कुल से। देन इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पर हमें इसको लिख लेना है जो वाला टेक्स्ट हमको चेंज करना है। मैं अगर इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ ऊपर से तो अब आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए जो अमीर है, मैं सिर्फ उसी को लिखता हूँ, ठीक है। परफेक्ट। अब इस अमीर का कलर मैं रेड कर लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। अब जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हम क्या करना है, ऊपर वाली लेयर में ऐड करना है। इसके लिए हम इसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे पहले एंड इसको यहाँ पर से पीछे ले आएंगे। देन जो हमारे फर्स्ट वाला टेक्स्ट है इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे एंड जो ये वाला टेक्स्ट है इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे एंड इसकी लेंथ फिर बढ़ा लेंगे अपनी जो फर्स्ट वाली क्लिप है उतने तक, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर से स्क्रीन पर टैप करके इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे।
सो कुछ इस टाइप से आप मल्टी कलर का जो टेक्स्ट है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बस हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितनी इजीली अपने इस वीडियो को एडिट कर लिया है। अगर आप भी इस वीडियो को एडिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप उसके लिए सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।